ओके मनीष जी, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में, कितना इमोशनल हुआ है और कितना इम्पोर्टेंट ये इनिशिएटिव है? गाना बहुत सुंदर है, गाना इतना खूबसूरत है कि जो मुझे लगता है जल्दी जबान पर भी आ जाएगा, लेकिन जो इनका पीछे इसका जो ध्येय है, जो इसके पीछे ये चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इसके बाद, ये बहुत अच्छा रीज़न है जिसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये सबके लिए, ये सिर्फ हमारे हम कलाकारों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। जो भी इसके साथ जुड़ेगा, जो भी देखेगा, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को देखेगा कि वो बेटी हो या बेटा, इसका वो अनाथ नहीं रहना चाहिए। आप सोच के देखिए, ये शब्द ही बड़ा बहुत ही डिस्टर्ब करता है, और ये इतनी प्यारी कोशिश है इनकी। ऑल्सो सर, इसके अलावा जैसे इनिशिएटिव के बारे में अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे किस्से हमें सुनने के लिए मिलते हैं देश विदेश से, और इनका जो फाउंडेशन है वो हर पूरे देश में हर जगह पे काम कर रहे हैं, सर उसके बारे में अगर? मैंने वही तो कहा कि कितनी अच्छी बात है कि जहाँ पूरे देश में ये इनका जो मुहिम जो छेड़ा है इन्होंने, कि ये बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने पास लेकर आ रहे हैं, जो वो बच्चे जो जिनको पता ही नहीं है कि उनके माँ बाप कौन है, ये सोचकर भी, अभी मेरी मम्मी चली गई तो मुझे पता है वो क्या फीलिंग आती है जब आपको पता हो कि आपके पास मेरी वाइफ है। वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो अभी अभी उन्होंने अपने मम्मी डैडी को खोया है इसी साल, तो वो बात बात में रो पड़ती हैं, तो मुझे पता है कि माँ बाप की क्या फीलिंग है माँ बाप के ना होने की। तो बच्चे जब उनको माँ बाप मिल जाते हैं, जो उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो छोटे हैं और उनके माँ बाप, तो वो कितनी प्यारी बात है, कितनी अच्छी बात है। सर, चादर और पठान दोनों की दोनों ब्लॉकबस्टर और कंटिन्यू अभी तक चल रही है, तो किस तरह का फीलिंग है? कहीं ना कहीं जवाब, कहीं ना कहीं दोनों का दोनों कंपेयर किया जा रहा था और दोनों की दोनों मूवी में आप है, तो कैसा लगता है आपको? सर क्या कहना चाहेंगे, कितना इमोशनल हुए और कितना इम्पोर्टेंट ये जो है इनिशिएटिव है? इमोशनल तो डेफिनेटली होंगे, मुझे लगता है जो भी वो गाना सुनेगा और जो वीडियो देखेगा, मुझे लगता है वो होगा, क्योंकि अरुण ने बहुत अच्छा गाना गाया है, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, वीडियो बनाया है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि ही इज़ जस्ट आम जनता जैसे हम थे, अभी आपने हमें सेलिब्रिटी बनाया, लेकिन बस दिल से काम किया एज एन आम जनता, और वहाँ से उसने इतना बड़ा एक काम किया है कि बेटियों के लिए एक नज़र लाना पूरे दुनिया को कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इनको कैसा संभालना चाहिए। आई थिंक फॉर समबडी जो हम कहते हैं नॉर्मल मैन, आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। आपने जो किया है, जैसे आपने गाया है, और आपका सोच जो है वो सबके दिल तक पहुँच गया आपकी गाने और वीडियो से। सो आई कंग्रेचुलेट यू और थैंक यू वेरी मच। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कितने इमोशनल हुए और क्या कहना चाहेंगे गाने के बारे में? नहीं, जब गाना सुना ही और वो वीडियो देखा ही और वो पूरी जो कहानी अरुण जी ने दर्शाई है पूरे वीडियो में, मैं क्या कहूँ, आई मीन इतना प्योर, इतना सिंपल और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज जो उन्होंने अपने पूरे गाने में और वीडियो में स्प्रेड किया है, आई होप ये गाना और ये वीडियो सब देखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ऑफ गर्ल चाइल्ड अडॉप्शन, आई थिंक ये गर्ल चाइल्ड ही जो अभी हम सब इतना बात कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड के बारे में, आई थिंक अरुण जी ने गाने के माध्यम से इतनी खूबसूरती से इसको स्प्रेड किया है ये मैसेज। आई जस्ट होप पूरा देश देखे और पूरी दुनिया ये देखे और इसको इम्पोर्टेंस दे, उसको वजन दे, और इस पे हम और जैसे अरुण जी ने काम किया है वो ऐसे ही काम करते रहे। सारी विशेज और भगवान का पूरा प्रे करूँगी कि ये आपका गाना सच्ची में तहे दिल से बहुत सक्सेसफुल। थैंक यू। जैसे कि मेरा, जैसे मैंने बताया कि कंसेप्ट मेरे पास था, ठीक है ना, मैं डायरेक्टर तो मैं खुद करने वाला था, लेकिन जैसे कि पिक्चराइज करने के लिए कुछ फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो नंदकिशोर अग्रवाल है, राजू भाई सुत्ती है, गणपत कोठारी जी है, लालमिया जी है, रामोदर लालमिया जी, तो इन लोगों ने क्या है कि मुझे सपोर्ट किया, बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप कंटेंट बहुत दमदार है, आप आगे बढ़ो, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने को रेडी है। देखिए सर, हम एक ऐसे समाज से आते हैं जिसमें भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा और सोनोग्राफी में जाकर के टेस्ट करवाना लड़का है या लड़की है, इस टाइप की इमेज अपने समाज की पूरे विश्व में बनी हुई है। उससे धीरे धीरे डेवलप होकर के हम आज यहाँ इस पोजीशन में आए हैं कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है,
और जो टॉप मोस्ट अपनी पोस्ट है आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी अपनी राष्ट्रपति है वो भी महिला है। तो आज अपने इस समाज में इस पोजीशन में आ गए हैं कि अपने बेटियों का रेशो जो है उसको बढ़ाना है और लड़कों का रेशो जो है उसको थोड़ा सा उसके कम या उसके इक्वल रखना है। तो बेटियां बचाने की जो प्रथा है उसमें ये प्रथा भी आती है कि अपने बच्चियों को जो छोड़ देते हैं अनाथ छोड़ देते हैं या जन्म होते ही छोड़ देते हैं या अनाथालय में छोड़ देते हैं। कई बार अपने सूचना देखते हैं न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ पोर्टल्स में कि कचरे के ढेर में बेटी मिली है। तो उन सबको बचाने की जो एक बीड़ा उठाई है अरुण बाबू ने और उसने ये पिक्चर बनाई है ओ पापा, ये संदेश देती है समाज को कि बेटियाँ भी बेटों से कोई कम नहीं है। जैसे वो पिक्चर है दंगल अपने बनाई है आमिर खान जी ने कि हमारी छोरियाँ कोई छोरों से कम नहीं है हरियाणा के हिसाब से, वैसे ही संदेश अरुण जी भी समाज को दे रहे हैं कि बेटियाँ जो हैं वो बेटों से कोई कम नहीं है, उनको बचाओ पढ़ाओ और उनको आगे बढ़ाओ ताकि वो समाज का नाम रोशन कर सके। यही संदेश इस मूवी में ओ पापा में अरुण जी ने देने की कोशिश की है। मैं तो आज अरुण भाई ने जो समाज में फैली कुरीतियाँ बच्चियों के लिए जो चीज़ें हो रही है उनको ठीक करने के लिए जो गाना बनाया है वो बहुत ही प्रिय गाना बनाया है और इसमें देश का एक संदेश भी छुपा हुआ है कि बेटियाँ तो आज की सबसे बड़ी कर्मवीर है। उन बेटियों को बचाने के लिए जो अरुण भाई का प्रयास है जो एक मैसेज है वो अति उत्तम है और अरुण भाई से हम जुड़े हुए हैं क्योंकि अरुण भाई सदैव समाज में फैली कुरीतियों के लिए सदैव अग्रे रह के बहुत सा काम करते रहते हैं और इन्होंने ये गाना बनाया, मैं गारंटी से बोलता हूँ बहुत अच्छा बनाया है और बहुत ही लोक लुभावन भी होगा और एक बहुत बड़ा मैसेज होगा और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है ये गाने के माध्यम से काफ़ी लोगों के ऊपर प्रभाव करेगा और उनका सपना भी पूरा करेगा।